Hello everyone, praise the Lord. Very good morning, and I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, आप सभी को आत्मिक नाश्ता में मिलने में बहुत खुशी है। आज भी नवंबर मंथ का पहला दिन है और इस मास में हमें यह वचन दिया है कि जपन्या के पुस्तक 3:15 और यह वाक्य ऐसा लिखा है कि यहोवा ने तेरा धन दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इसराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगोगी। दोस्तों, इस मास में भगवान हमें यह कहना है कि वो हमारी सारे शत्रु को दूर किया है, हमारे पाप को दूर किया है, हमारी दंड सब कुछ वो दूर किया है। ये 3 पे यहूदिया यानी जूडिया उसके न्याय के बारे में हमें बताया गया है। भगवान उन पर आने वाले न्याय के बारे में हमें बताते हैं। इस अध्याय के अनुसार ये लोग जो है वो भगवान की चेतावनी सुनकर वो भगवान के पास लौट आया है। वह उनकी सारे पाप को प्रायश्चित करके वो परमेश्वर के पास आया है। इसलिए दोस्तों, इस नए मास में हम हमारी सभी गलतियों को छोड़ के हम भगवान के पास आए तो हमें आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। अगर हम हमारे रास्तों को ठीक करके भगवान के पास आ जाए तो हमें आशीर्वाद और खुश इस मास में हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आज को यह कहना चाह रहा हूं कि हम सभी किसी की विपत्तियाँ को न देखेगा, क्योंकि हम भगवान हमारे साथ ही रहेगा। इस मास में आपको यह कहना चाह रहे कि भगवान आपके साथ है, वो हमारी दंड को दूर करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे रास्ते को ठीक करके भगवान के पास आ जाओ। इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें।